ही गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन क्वेस्ट जेल्दो। गाइज लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिफीट कर दिया था एलीट फोर को और वॉलेस को हरा दिया था जो कि चैम्पियन था होएन लीग का। हम लोगों ने दोनों को हरा दिया था और हम लोग चैम्पियन बन गए थे। फिर मैं आ गया था घर पे और मैं अपने बेड पे सो ही रहा था और फिर मेरी नींद लग गई और मतलब मेरी आँख लग गई। और फिर जब मैंने आँखें खोले तो गेस व्हाट गाइज, मैं एक नए यूनिवर्स में आ गया था। यह लिटरली कोई तो नया यूनिवर्स है। यहाँ पे मेरा कैरेक्टर भी अलग हो गया, बल्कि मेरे पोकेमॉन भी अलग हो गए। यहाँ पे सिंडकविल को ओरान बेरी देने के लिए पूछ रहा है तो ठीक है मैं दे देता हूँ। और मेरा सिंडकविल जो कि मेरा नहीं है बट वो भी मेरा अभी हो चुका है। यहाँ पे मेरा नाम तो वही है लेकिन गाइज मेरा कैरेक्टर बदल गया, इवन तो मेरे पोकेमॉन भी बदल गए। मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ और मैं कैसे इस यूनिवर्स में आ गया, बट ठीक है। और गेस करो क्या, मेरे पास 6 पोकेमॉन है लेकिन सबके लेवल 15 है। तो ठीक है आई गेस मैं थोड़ा सा फिगर आउट करूँगा आज के एपिसोड में कि मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है या फिर मुझे पता नहीं यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैंने फिगर आउट किया है, यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ, वो मेरे पास शक्तियाँ है गाइज। आई कैन लिटरली डू डे बूम। हम लोगों ने डे कर दिया है। अगर आपको रात करनी है तो आप लोग सेम वैसे ही रात कर सकते हो। इसके लिए आपको बस अपने आई गेस एल बटन को प्रेस करना है। एंड हाँ, अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है एंड अगर आपको ये जो जो भी मैं अभी खेलने वाला हूँ उसके एपिसोड में, अगर आपको वो खुद से एक्सपीरियंस करना है तो इसके डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है। जिनको डिस्क्रिप्शन से करनी है वहाँ से कर लो और जिनको डिस्क्रिप्शन ओपन करने नहीं आता वो लोग कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसको सुन लेना, आप लोगों को गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से एंड उसकी सेव फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड सेव फाइल को इस गेम में लोड करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता सो डोंट वरी, मैंने उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के रखी है कि कैसे जो GBA की सेव फाइल होती है उसको GBA के गेम में लोड करे या फिर उसे कनेक्ट करे और उसको ओपन करके खेले, मतलब किसी और की सेव फाइल को आप लोग अपने गेम में कैसे डाल सकते हो। तो अगर आपको ये नहीं आता तो जस्ट वीडियो देख लेना, काफ़ी इजीली मैंने समझाया है, उसको देख के आप लोग समझ जाओगे और फिर आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। बिकॉज़ आज के एपिसोड मुझे तो लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो ठीक है, मैंने अपनी टीम फिर से देखी नहीं, चलो देखते मेरे पास कौन से पोकेमॉन है। मेरे पास एक सिंडकविल है, एक स्क्रैगी है, एक पिजी है और एक डस्टॉक्स है, एक पूछियाना और एक सैंडश्रू। लेकिन ये नॉर्मल सैंडश्रू नहीं है, एक आई डोंट नो अलाउलोन है या फिर गलारियन है, मुझे मेरे को सही में कोई आइडिया नहीं है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है बट ठीक है। यहाँ पे एक लैब भी है, मैंने जाके चेक किया था वहाँ पे कोई तो प्रोफेसर ओक नाम के कोई तो बंदे थे, मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो बस एक ही प्रोफेसर पता है, प्रोफेसर बर्च। बट स्टिल कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाएंगे गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं Route 1 पे और गेस व्हाट, यहाँ पे एक रटाटा जो कि मैंने तो कभी देखा नहीं है। बिकॉज बेसिकली होता क्या है ना, मतलब मैंने देखा है बट इतने नहीं देखे, मतलब काफ़ी कॉमन नहीं है होएन रीजन में। होएन रीजन में तो काफ़ी अलग अलग पोकेमॉन मिलते हैं ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये सारे पता नहीं। आई गेस ये कैंटो रीजन में मैं आ चुका हूँ, मुझे कोई आइडिया तो नहीं है लेकिन ठीक है क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक खुद का एक सिंडकविल है जो कि आई गेस अच्छी बात है। कितना ओरान बेरी खाइए, हाँ कितना चाहिए तेरे को ओरान बेरी? ओके क्या वो ऐश है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मिमिक्री करने की, वो भी इतनी बुरी? ओह माय गॉड, ऐश केचम के साथ हमारी फाइट होने वाली है। यू आर चैलेंज बाय चैंपियन ऐश केचम और गेस व्हाट, उसके पास भी 6 पोकेमॉन है। उसका पहला पोकेमॉन है एक पीकाचू। क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है गाइज? मतलब आई डोंट नो, क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? उसने यूज़ किया प्ले नाइस जिससे कि क्या हुआ, ओके मेरा अटैक और मेरा स्पेशल अटैक गिर गया, दैट्स रियली नाइस। और अब वो मेरा अटैक गिरा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और उसने यूज़ कर लिया क्विक अटैक और गेस व्हाट, क्रिटिकल हिट थी उसकी और मैंने ऐश के पिकाचू को हरा दिया है। अब देखते हैं इसका कौन सा पोकेमॉन आएगा। अब ने उस अरे रे रे, उसने सीधा चारिज़ार्ड भेज दिया। ओके ओके, अब मेरे को थोड़ा सा पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। आई विल चूज स्क्रैगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रैगी चारिज़ार्ड को हराने का दम रखता है, होपफुली। उसने यूज़ कर लिया एंशिएंट पावर जो कि ऑब्वियसली बात है स्क्रैगी के ऊपर तो ये नहीं है। लेट्स यूज स्वैगर, ये थोड़ा सा गैम्बलिंग मूव है बट आई गेस मुझे रिस्क लेना चाहिए।
क्या किया मैंने, स्वैगर। ओके, स्वैगर से बेसिकली सामने वाले पोकेमोन का अटैक बढ़ जाता है लेकिन वो कन्फ्यूज हो जाता है। अभी एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा बैग में देखता हूँ पोशन वगैरह। ओह पोशन है, ओ माई गॉड 76 पोशन है, मतलब ठीक है, दैट्स रियली नाइस। और उसने खुद को हर्ट कर दिया। ओके नहीं नहीं एक और पोशन यूज़ करना आई डोंट थिंक, वो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, सो आई विल सिंपली यूज़ हेडबट। एक नंबर चैरिज़ार्ड, तू कन्फ्यूजन में खुद को ही हर्ट कर दे रहे, मतलब एनीमे में भी तूने वही किया था, ऐश को हरवा दिया था, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी तू मेरी मदद ही कर रहा है, सो ओके। नहीं 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 वो भड़क गया गाइज, वो भड़क गया। ओके लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने काफ़ी इजीली चैरिज़ार्ड को भी डिफीट कर दिया है। बट ये यहाँ पे आया कैसे, मतलब उसके डायलॉग सुने, वो बोला था कि तूने मेरी मिमिक्री करने की हिम्मत भी कैसे की, और वो भी इतनी बुरी। आई मीन ठीक है मैंने ऐश की थोड़ी सी बुरी मिमिक्री की थी गाइज, बट आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने लोगों को भी मिमिक्री की है ना, वो लोग अभी गेम से, मतलब उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आके मेरे से बदला लेना चाहते हैं जस्ट बिकॉज आई गेस मैंने उनकी बुरी मिमिक्री की। आई डोंट नो, मतलब मे बी ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं। ओके इसके पास एक ग्रीनिंजा है, अरे यार ये दिक्कत की बात है। मेरे को थोड़ा सा एक और काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ पोशन से फिर से। उसने यूज़ किया क्विक अटैक, लेट्स यूज़ लो स्वीप जो कि, अरे नहीं 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 ग्रीनिंजा, और उसका गेस वॉट बैटल बॉन्ड वाला ग्रीनिंजा है। सो बेसिकली अभी ऐश ग्रीनिंजा हमारे सामने आ चुका है गाइस, जो कि मुझे बहुत बहुत दिक्कत देने वाला है आई एम प्रिटी श्योर। यार मेरे को हारना नहीं है ऐश से, लेकिन ठीक है क्या ही कर सकते हैं। लेट्स यूज़ बाइड, इसने यूज़ कर लिया बबल। कितना डैमेज दे रहा है, ओह हाफ से तो जा, अरे रे फिर से एक और बबल। नहीं ब्रो ब्लू प्लीज सर्वाइव कर जा। ओके ओके अब तो ये नहीं बचेगा बिकॉज बाइड इज़ लाइक काउंटर, बट काउंटर से बेटर वाला, बिकॉज काउंटर तो बस फिजिकल मूव्स को रिफ्लेक्ट करता है, बट बाइड हर एक मूव को रिफ्लेक्ट करता है और डबल आई गेस डैमेज देता है। बट ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने हरा दिया, इसके अभी तीन पोकेमॉन बाकी है, और गेस व्हाट गाइस इसके पास अभी एक लुकारियो भी है। आई मीन आई नो कि ऐश के पास अभी एक लुकारियो है, बट स्टिल यार क्या ही कर सकते हैं। लेट्स यूज डस्टॉक्स, आई डोंट नो ये काम करेगा भी नहीं, बट ठीक है। एंड गेस व्हाट गाइस यहाँ पे लुकारियो के लेवल 5 है, आई गेस जस्ट बिकॉज ये अभी न्यू ऐड हुआ है, दैट्स वाई, मतलब ऐश के पास ये अभी आया है, दैट्स वाई इसका लेवल कम है। मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, पता नहीं, बट ठीक है अगर मैंने ऐश को हरा दिया तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियस बात है वो चैम्पियन ऐश है। अभी कौन सा पोकेमॉन आ रहा है, ओके गेंगार, आर यू सीरियस यार इसके पास इतने तगड़े तगड़े पोकेमॉन कहाँ से ला रही है, पर कोई बात नहीं लेट्स यूज़। ओके उसने यूज़ कर लिया कर्स, जिससे कि वो मेरे पोकेमॉन के ऊपर कर्स लगा रहा है, बेसिकली वो खुद की एचपी हाफ में कट कर लेगा लेकिन उस सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर कर्स लगा देगा, जिससे कि उसकी एचपी थोड़े थोड़े टाइम के बाद कटती जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा मूव है, मतलब कर्स यूज़ कर लो और फिर हाइपर पोशन यूज़ करके सामने वाले पोकेमॉन के लग जाएंगे फिर तो, जो कि ऑब्वियसली बात है लग रहे मेरे। ओके उसने अभी फाइनली मीन लुक भी कर दिया, दैट मीन्स डस्टॉक्स आई गेस मर सकता है यहाँ पे, बिकॉज ओके ओके अब मेरे को सीरियसली थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं ये स्पाइट यूज़ कर रहा है, स्पाइट से होता क्या है बेसिकली जो भी मूव हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, या फिर यूज़ कर चुके हैं लास्ट टर्न में, और अगर उसके बाद उसने स्पाइट यूज़ की तो उस मूव के जो पीपी होते हैं, पीपी यूजेस होते हैं, वो कम हो जाएंगे। लेकिन फाइनली डस्टॉक्स ने समहाउ कैसे तो मैनेज कर लिया उसको हराने का, आई डोंट नो कैसे, बट ठीक है बेचारा डस्टॉक्स को भी खुद का बलिदान देना पड़ा। बट आई गेस अभी आई विल यूज़ सिंडक्विल। अब कौन सा पता है, मतलब कौन सा बचा है ऐश का पोकेमॉन, इसका आखिरी पोकेमॉन है एक ड्रैगनाइट। ओके 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 लेट्स यूज़ क्विक अटैक आई गेस, और ड्रैगनाइट का लेवल भी 5 ही है आई गेस, जस्ट बिकॉज ये भी न्यू पोकेमॉन है, ऐसा कुछ तो हो सकता है। एंड मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना है तो गेम को डाउनलोड करते समय सेव फाइल को भी डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज आपके पास ये पोकेमॉन नहीं आएंगे। मैं पहले ही बता दूँ, अगर आपको सेव फाइल डाउनलोड करना नहीं आता तो मैंने उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कैसे लोड करना है वो भी बता दिया है, अगर आपको ये एपिसोड खेलना है आपके फ़ोन में तो। ओके इसने सिंडरक्विल को पैरालाइज कर दिया है,
और ट्विस्टर का स्पैम करे जा रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट गिल्ड ने ऐश को हरा दिया है। और गेस व्हाट, हम लोग ने हरा दिया चैंपियन ऐश केचम। भाई तेरी कारण ब्रेकअप हो गया। क्यों? मैंने गंदी मिमिक्री की इसलिए। ओके सॉरी ब्रो, यार सरीना को सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। ओके अब तू कुछ बोलेगा ब्रो? और ब्रो तेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। गाइस आपको लग सकता है ना कि यार ये इतना हाइटेड कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या रहेगा ना, कि हम लोग हैं 616 यूनिवर्स से, और ये वाला जो ऐश कैचम है वो 818 वाला ऐश कैचम है, आई मीन ऐश कैचम है। सो बेसिकली उस यूनिवर्स वाला जो ऐश कैचम है वो 10 साल का नहीं है, ये बड़ा हो चुका है, ये 21 साल का है। कोई ना, आगे और वेट कर रहा है, बेस्ट ऑफ लक। वेट कर रहा है? ओके कोई तो आगे और मेरा वेट कर रहा है। ओके ओके ऐश ने कुछ तो ऐसा हिंट दिया है कि मेरे मेरा कोई तो वेट कर रहा है आगे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना पोकेमॉन हील कर लूँगा एंड लेट्स सी, मतलब ऐश ने मेरे को बोला तो है कि कोई तो मेरा आगे वेट कर रहा है, लेट्स सी कौन मेरा वेट कर रहा है, क्यों मेरा वेट कर रहा है। आई मीन ठीक है, मैं फिर से बात करता हूँ। कोई ना, आगे और वेट कर रहा है, बेस्ट ऑफ लक। ओके आई गेस आगे भी कोई ना कोई मेरा वेट कर रहा होगा, तभी तो ये ऐसा बोल रहा है ना। सो लेट जस्ट सी कौन है जो मेरा वेट कर रहा है। यहाँ पे आई गेस मेरे को आगे ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं आगे जाने के लिए। सो आई गेस मेरे को विरिडियन फॉरेस्ट को कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिनट, एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे इन्फिनाइट रिपेल मैं ऑन कर दूंगा जिससे कि वाइल्ड पोकेमॉन्स आना बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर बैटल्स वगैरह रहेंगी तो मैं स्किप करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज़ मेरे को बैटल्स नहीं करनी, मूड नहीं है मेरा अभी। ओके ये बैटल मेरे को करनी नहीं है। ओके मैं आई गेस स्किप कर सक ओके हो गई है आई गेस बैटल, पता नहीं। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि जो इस यूनिवर्स का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो मेरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया, एंड मैं जो कि होएन रिजन का हूँ वो इस यूनिवर्स में आ गया, कैंटो में। बट ठीक है, एक मिनट भाई, कितने बैटल्स हैं तो तुम यहाँ तक आ ही गए? ओके लेकिन तुम इतनी अच्छी मेमोरी कैसे कर लेते हो? ओके ये कौन है, रेड है? आई मीन ये क्या हो रहा है आज के एपिसोड में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। चैम्पियन रियल रेड? ओके रियल रेड तो मैं कौन हूँ, फेक रेड हूँ? हाँ मतलब देखा जाए तो हाँ, इसमें हमारा कैरेक्टर भी रेड का ही है, सो दैट्स वाई वो खुद को रियल रेड बुला रहा है, नो डाउट। और इसके पास भी एक पीकाचू है, ठीक है आई गेस। उसने भी प्ले नाइस यूज़ कर लिया, मेरा अटैक और स्पेशल डिफेंस, नहीं स्पेशल अटैक गिरा देगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग यूज़ करेंगे एम्बर। ओके इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे को अभी थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज़ मे बी मैं रेड के साथ बैटल में हार सकता हूँ, बिकॉज ऐश तो अपना कुछ भी यूज़ करता रहता है, बट वो रेड है गाइज, ये रेड है, रेड के सामने कोई मस्ती नहीं चलेगी सीरियसली, वो लिटरली मेरे को अपनी नानी याद दिला सकता है। और ये एक्चुअली मैं इलेक्ट्रोबॉल यूज़ कर रहा है मेरे सिंटेगुल के ऊपर, मैंने पोकेमॉन हील तो किए थे ना, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस मैंने किए रहेंगे। ओके अब इसके पास एक चारिज़ार्ड है। ओके मेरे को फिर से आई गेस मैं वही स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्राइगी को बुलाता हूँ, होपफुली ये मेरी मदद करे जैसे उसने लास्ट एपिसोड में किया था, आई मीन लास्ट बैटल में किया था। लेट्स यूज स्वैगर। ओके इसको भी ब्रिक ब्रेक आता है, आर यू सीरियस? अटैक अवॉइड कर दिया, मेरे को यहाँ पे पोशन यूज़ करना पड़ेगा जस्ट इन केस अगर मेरा पोकेमॉन सर्वाइव ना करे तो। ओके 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 यहाँ पे दिक्कत वाली बात स्टार्ट हो चुकी है गाइज, एक और पोशन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। भाई कितना ब्रिक ब्रेक यूज़ करेगा, और कोई मूव नहीं आता तेरे को? रुक मेरे को आई गेस कोई नया स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा तेरे अगेंस्ट, लेट्स यूज पिजी। पिजी तेरे पास कोई मूव्स है क्या? ओके एम्बर, अरे यार क्या लक है तेरा ब्रो। एक काम करते हैं, इसका हम लोग आई गेस हील करना पड़ेगा उसको मेरे को। एंशंट पावर, आई गेस पीजी तेरा तो काम हो गया यहाँ पे,
कोई नहीं कोई नहीं, वी स्टिल हैव होप गाइज, लेट जस्ट यूज़ क्रैगी अगेन। मुझे ये बैटल तो डिफ़िकल्ट लग रही है, मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ पे कुछ हो पाएगा, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, स्वैगर तो काम कर दिया है, अगर अभी अगर इसने खुद को हर्ट कर लिया ना तो फिर ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, बिकॉज़ अगर इसने मेरे को हर्ट कर लिया तो फिर मैं ख़त्म ही हूँ, मतलब मेरे पास कोई चांस ही नहीं है इसको सर्वाइव करने का, बिकॉज मैंने इसका अटैक, ओके दैट्स रियली नाइस, उसने खुद को हर्ट कर लिया। आई गेस अभी हेडबट मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक और बार प्लीज हर्ट कर ले, एक नंबर एक नंबर, ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, एक और बार प्लीज़, अरे रे एक नंबर एक नंबर, भारी भारी भारी। अभी आ रहा है इसका, कौन सा पोकेमॉन आ रहा है, एक ब्लास्टोइज़, ओके ओके, वी विल सिंपली यूज़ लो स्वीप, ओके उसकी स्पीड मैंने गिरा दी, लेट्स यूज स्वैगर, मिस हो गया, ओके वो विद्रॉ की यूज़ कर रहा है, अपना डिफेंस बढ़ाना चाहता है, कोई नहीं हम लोग तेरे को कन्फ्यूज कर देंगे, खुद को हट कर ब्रो, खुद को हट कर, एक नंबर एक नंबर। स्क्रैगी की ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये काफ़ी सही है, और इसका हम लोग स्पीड भी गिरा रहे हैं, खुद को हट कर, नहीं ओके विद्रॉ, अपना डिफेंस इतना क्यों बढ़ा रहा है, ओके अरे ब्रो खुद को हर्ट कर ले जैसे चारिज़ार्ड ने किया था, प्लीज़ प्लीज़ खुद को हर्ट कर ले, इसका मैंने स्पीड तो काफ़ी गिरा दिया है, एक बार हिट कर ले खुद को, ओके वाटर गन हिट कर लिया इसने, दैट्स नॉट नाइस, लेट्स जस्ट यूज़ हेडबट, और ये इसको मैंने फ्लिंच करा दिया, दैट्स रियली नाइस, और अरे यार ये सर्वाइव कर गया यार, और क्या ये स्क्रैगी के लिए आखिरी मोमेंट था। जी हाँ गाइस, स्क्रैगी ने काफ़ी अच्छी बैटल लड़ी लेकिन फाइनली उसको जाना ही पड़ा, बट आई गेस पूछिए ना आगे की फ़ाइट संभाल लेगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरे पास रिवाइव्स तो नहीं है लेकिन आई कैन स्टिल यूज़ बाइट दो, एंड ओके ब्लास्टोइज तो ख़त्म हो चुका है, अभी कौन सा पोकेमॉन आने वाला है, उसके पास अभी भी तीन पोकेमॉन है, अभी उसके पास एक वीनसोर है, ओके लेट्स यूज़ हाउल, जिससे कि ओ नहीं 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 उसने लीड सीड यूज़ कर लिया है, लीड सीड से बहुत बुरा मतलब एक डैमेज हो जाता है अपने पोकेमॉन को, आर यू सीरियस, लीप पाउडर और लीच सीड ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बट नहीं मैं पोकेमॉन चेंज कर दूंगा, डोंट वरी मैं तेरे सपने पूरे नहीं होने दूंगा विनोसॉर, मुझे सब पता चल रहा है तू क्या करना चाहता है यहाँ पे, आई डोंट वरी ब्रो मैं तेरे सपने पूरे होने तो नहीं दूंगा, आई विल यूज़ सैंड श्रू जो कि हमारे पास सम हाउ आइस टाइप वाला है, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, लेट्स यूज़ आइस शार्ड, और आइस शार्ड एक ऐसी मूव है जो कि हमेशा फर्स्ट हिट करती है, ओके तूने इसको भी लीड सेट डाल दिया, ओके कोई बात नहीं ब्रो, अब बस तेरा वो स्लीपिंग पाउडर वाला यहाँ पे मत चला, सो वो काफ़ी बेटर होगा, बिकॉज अगर अभी तूने इसको भी सुला दिया तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं ओके थैंक गॉड, आई गेस तेरा खेल तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, बट गाइस सीरियसली यार मतलब ये मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैंने जिन लोगों की मिमिक्री की है उन लोगों को इतना गुस्सा आ जाएगा, मतलब रेड को तो पसंद है उसकी मिमिक्री, दैट्स वाई वो ऐसा कुछ तो कह रहा था, बट ठीक है अभी इसका जो ओके सेकंड लास्ट पोकेमोन है एस्पियन है, लेट जस्ट यूज़ आई गेस लेट यूज़ आइस बॉल, उसने यूज़ कर लिया बेबी डॉल आइस जिससे कि मेरा अटैक गिर गया, बट कोई बात नहीं, अरे हाँ यार ये वो भी है ना लीड सीड भी है ना, लीड सीड में प्रॉब्लम होती रहती है, ओके रुको मेरे को पोक, अच्छा आइस बॉल हिट करते जाता है क्या, ये तो गलत बात है यार, इट्स लाइक रोल आउट, वो हर्ट करते जाएगा वैसे, ओके कितने बार हिट करता है देखो, ओके बट ये ईच सक्सेसिव हिट में उसका डैमेज बढ़ते जाता है, ये तो मैंने नोटिस कर लिया गाइज, आई गेस अभी अगर आइस बॉल फेंक दिया ना उसने तो आई गेस इसका काम ख़त्म, बिकॉज वो आइस बॉल की साइज़ भी हर एक टर्न के बाद बढ़ती जा रही है, इट्स लाइक बड़ी बड़ी हो रही है, बट ठीक है अभी इसका आखिरी पोकेमॉन आ चुका है,
जो कि एक लैप्रास है, और इसने यूज़ कर लिया वाटर गन, और बेचारा सैंडशू नहीं रहा, बट ठीक है, वी कैन यूज़ डस्टॉक्स आई गेस। चलो एक काम करते हैं, इसको कर देंगे टॉक्सिक, जिससे कि ये पॉइजन हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। एंड पॉइजन हो जाने के बाद इसने मेरे को कर दिया कन्फ्यूज़। ओके सही है सही है। देख अगर मैंने रेड को हरा दिया ना गाइस, तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा, बिकॉज आज के एपिसोड में देखा जाए तो लिटरली मैं कितने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स ट्रेनर्स को हरा रहा हूँ। अभी हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मेरे को बस इसका टाइम वेस्ट कराना है, सो दैट्स वाई मैं पूछियानो को यहाँ पे सामने रख दूंगा। लेकिन ओके बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है यार ये पोकेमॉन, और बेचारा पूछियाना तो सोया है, क्या ही कर सकते हैं। और इसने इसको कन्फ्यूज़ भी कर दिया ऊपर से। ओके ओके मेरे को सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या करना चाहता है, बट आई गेस ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स यूज़ बाइट। कन्फ्यूज है ब्रो, बट तू खुद को हर्ट नहीं करेगा, आई नो बिकॉज तू मेरा पोकेमॉन है, और मेरे पोकेमॉन कभी खुद को हर्ट तो नहीं करते आई गेस। ओके लेट जस्ट यूज़ अवर, नहीं यार एक काम करता हूँ, सिंडरक्विल को आगे रखूँगा, बिकॉज मैंने इसके साथ बैटल को स्टार्ट किया था, तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ। लेट जस्ट यूज डबल किक। ओके अरे यार वाटर गन से बेचारा नहीं रहेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास एक और पोकेमॉन है डस्टॉक्स आई गेस, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके तुम में कुछ तो बात है, हाँ मेरे में है तो सही, लेकिन गाइस ये लिटरली मेरा ही कैरेक्टर का डिट्टो दिख रहा है, आई मीन सीरियसली सही है यार, ये कुछ बोलेगा क्या? क्या तुमने ओमकार पीएम को सब्सक्राइब किया है? हाँ मैंने तो किया है, क्या गाइस आपने किया है? नहीं किया तो कर लो, अभी भी चांस है, खुद रेड बोल रहा है कि सब्सक्राइब करने के लिए, सो आई होप आप लोगों ने किया रहेगा सब्सक्राइब। सो देखते हैं अभी और कुछ करना है क्या यहाँ पे, मुझे कोई आइडिया तो नहीं है। ओके मेरा पोकेमॉन आ चुका है यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ओके यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में कुछ करना है कि भी नहीं। ओके ये रहा आई गेस, ये कौन है? मेगा स्टोन्स के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। ओके ओ हाय देयर, मैं हूँ फॉकनर, एक जिम लीडर जोटो रीजन से, मैं कैंटो से आया हूँ मेगा एवोल्यूशन के बारे में पता करने, पर अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुम एक बैटल की तलाश कर रहे हो? हाँ आई गेस मैं टाइम निकाल सकता हूँ महान बर्ड पोकेमॉन की ताकत दिखाने के लिए। ओके ब्रो आ जा, कोई बात नहीं, लेट जस्ट यूज। ओके ये दिक्कत वाली बात आ चुकी है गाइज, बट एक मिनट, अगर बर्ड पोकेमॉन है सो तो मैं आइस शार्ड यूज़ कर ही सकता हूँ इनके सामने। ओके अब समझ में आ रहा है, बट कोई बात नहीं। ओके एक नंबर सैंडश्रू, दूसरा एक कॉर्विसिकर, वी कैन स्टिल यूज़। ओके हॉर्न क्लॉज, ओके लेट्स यूज पूछियाना, एंड लेट्स यूज, अरे इनके पास रूस्ट है यार, ये दिक्कत वाली बात है। नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके फाइन फाइन फाइन, इसका लास्ट पोकेमॉन एक इमुलगा है। ओके लेट्स जस्ट यूज क्विक अटैक। ओके 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 अब मेरे पास दिक्कत तो है मुझे, बट वी विल स्टिल यूज हेडबट। इनके पास बेरीज क्यों है और मैं बैग यूज नहीं कर सकता? आर यू सीरियस? आई गेस ये बैटल में हारने वाला हूँ, ऑब्वियस ही बात है हारने वाला हूँ, बट नहीं मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगा गाइज। मेरे पास पोश, अरे यार मैं पोशंस यूज़ नहीं कर सकता, क्या दिक्कत है यार। एक तो ये ऐसे फालतू टीम दी है मेरे को, और मैं कैसे इनको हराऊं? ओके
क्या ही कर सकते हैं गाइज यार, मैं मुझसे नहीं हो रहा। एक तो पता नहीं है कौन से सिटी में आ चुका हूँ मैं, प्यूटर सिटी कौन सी सिटी है मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे ये एक्चुअल रेड देखो कैसे चल रहा है इंसान की तरह। क्या तुमने ओमकार पीएम को सब्सक्राइब किया? भाई किया है यार, अगर आपने नहीं किया तो कर दो। एंड आई होप आप लोगों को ये छोटा सा मोड जो मैंने क्रिएट किया था, एक्चुअली ये गेम पोकेमॉन बनटाई का ही गेम है जिसमें मैंने खुद के थोड़े से इवेंट्स ऐड कर दिए। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। एंड मेक श्योर टू डाउनलोड द सेव फाइल, बिकॉज अगर सेव फाइल डाउनलोड नहीं करोगे और उसको लोड नहीं करोगे गेम में तो आपके पास ये पोकेमॉन नहीं आएंगे। तो फिर आपको फिर से स्टार्टिंग से स्क्रैच से पोकेमॉन्स को कैच करके उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये सब नहीं करना चाहते तो आई होप आप लोग डाउनलोड फाइल क्या बोलते हैं सेव फाइल डाउनलोड करके उसको लोड कर लेना। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, एंड तब तक के लिए पीस आउट।